वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी वाला जो चैप्टर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर वन क्या करूंगा, उसका जर्नल एंट्रीज बना कर भी क्या करूंगा मैं आपको दिखाऊंगा। राइट, अभी तक मैंने क्या किया, जो जर्नल चैप्टर है उसमें टोटल 1 से लेकर 37 क्वेश्चंस है। नया जो बुक एडिशन है 2022-23 वो सारा 1 से लेकर 37 तक का मैंने जर्नल एंट्रीज क्या किया है बना के सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पे क्या किया है अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पे जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा अकाउंटेंसी क्लास 11 प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशन ऑफ जर्नल, उसमें 1 से लेकर 37 तक का सारा आपका जर्नल एंट्रीज बना के वीडियोस अपलोड कर दिया गया है। तो अगर आपने देखा तो जाके क्या करेंगे देख लेंगे। उसके बाद जर्नल के जस्ट बाद एक चैप्टर आता है अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी, इससे रिलेटेड क्या करूंगा जितने भी क्वेश्चंस है सभी का जर्नल एंट्रीज बना के मैं वीडियो क्या करूंगा अपलोड कर दूंगा। ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है क्लास 11 अकाउंटेंसी का जो बुक है आपका डॉक्टर एस के सिंह का SBPD पब्लिकेशन का, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और ध्यान से मेरा जो बुक एडिशन है 2022-23 वाला है, राइट, उसी से रिलेटेड क्या कर रहा हूँ मैं जर्नल एंट्रीज बना रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या आपका क्वेश्चन नंबर वन जीएसटी चैप्टर से रिलेटेड। और बहुत सारा चैप्टर है ना वो जर्नल रिलेटेड है, एक आठ ट्रांजेक्शन है जिसमें आपका CGST SGST आपका है। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन नंबर वन। ट्रांजेक्शन नंबर वन बोलता क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश, आपने क्या किया है नगद में सामान खरीदा है, कितने का 60,000 का। ये सब एंट्री तो पहले भी पढ़ चुके हैं जर्नल वाले चैप्टर में। एंट्री क्या हो जाएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट, क्या हो जाएगा आपका परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्या होगा आपका कैश अकाउंट, राइट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना है आपका 60,000, और ये भी कितना हो जाएगा मेरा 60,000। परचेजेस नॉमिनल अकाउंट, गुड्स को खरीदे हैं एक्सपेंसेस हुआ है, और एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट कैश रियल अकाउंट, बिजनेस से कैश जा रहा है रियल अकाउंट क्रेडिट बट गोज आउट। ठीक है जी, तो आपका ये एंट्री बन गया। अब हम लोग बात करते हैं कितना ट्रांजेक्शन नंबर कितना का दो का। ट्रांजेक्शन नंबर दो में देखिए क्या बोलते हैं आपका, परचेज फर्नीचर फॉर्म फर्नीचर मार्ट कितना 20,000। देखिए आपने फर्नीचर खरीदा है, राइट, किससे, फर्नीचर मार्ट से, नाम दे दिया और कैश का जिक्र नहीं है, राइट, इसका मतलब नाम जब लिख दे किससे खरीदा और कैश क्रेडिट का जिक्र नहीं रहता है तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानते हैं। ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट जर्नल वाले चैप्टर में दिया गया है, आप जाके देख लेंगे। तो आपने क्या खरीदा है फर्नीचर, तो बिजनेस में क्या आया फर्नीचर, राइट, फर्नीचर असेट्स है ना, तो असेट्स का नाम लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट, राइट, और किससे खरीदा है फर्नीचर मार्ट, फर्नीचर मार्ट दुकान का नाम हुआ, राइट, तो किससे खरीदा आपका फर्नीचर मार्ट से, राइट, तो आपका क्या हो गया फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर मार्ट अकाउंट कितना में खरीदा है देख लीजिए आपका 20,000, तो लिख दीजिए कितना 20,000, और ये भी कितना लिख दीजिए आप 20,000। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन नंबर दो भी क्या हो गया बन गया। अब हम लोग बात करते हैं कितना ट्रांजेक्शन नंबर कितने का, हम लोग बात करते हैं थ्री का। थ्री में क्या बोलता है, गेव लोन टू अमलेश, मतलब अमलेश को आपने लोन दिया है, लोन लिया नहीं है अमलेश से, अमलेश को लोन क्या किया है आपने दिया है, तो अमलेश को लोन दिया है तो अमलेश से आप लेंगे लोन, यानी आपका क्या होगा अमलेश लोन अकाउंट, राइट, अमलेश लोन अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगा आपका कैश अकाउंट, दिया है ना तो आपका क्या हो जाएगा कैश अकाउंट, तो अमलेश लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना आपका 10,000, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 10,000, और यहाँ पे कितना लिखेंगे 10,000। अमलेश लोन लिया है तो आपका पर्सनल अकाउंट डेबिट किए क्योंकि आज नहीं तो कल हम लोन का पैसा वापस लेंगे, और अमलेश को आपने क्या किया है लोन दिया है तो बिजनेस से क्या चला जाएगा कैश रियल अकाउंट क्रेडिट बट गोज आउट। और मान लेते हैं कि अमलेश से लोन लेते हैं, अमलेश से लोन लेते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू अमलेश लोन अकाउंट होता, लेकिन आपने दिया है ना तो अमलेश लोन अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा कैश अकाउंट। ठीक है जी, ये भी ट्रांजेक्शन आपका बन के तैयार हो गया। अब ट्रांजेक्शन नंबर कितना है आपका फोर। ट्रांजेक्शन नंबर फोर जो है बोलता क्या है, पेड इन फुल सेटलमेंट फर्नीचर मार्ट कितना 90,000।
फुल सेटलमेंट जब आपका वर्ड रहेगा तो आपको चेक करना पड़ेगा कि कितना पैसा आपको लेना या देना है, राइट। पूर्ण भुगतान स्वरूप, इसके बाद आपको किसी तरह का फर्नीचर मार्ट को पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। तो आपने कितना दिया 19,000 और बोला कि मेरा आपका हिसाब किताब क्या हो गया, बराबर फुल सेटलमेंट हो गया, ठीक है। तो देखना पड़ेगा कि देना कितना था। देखिए आपने कितने का फर्नीचर खरीदा था, 20,000 का, और आपने उसको कितना दिया 19,000 फुल सेटलमेंट, मतलब अब आपको बाद में देना 1,000 नहीं पड़ेगा। तो एक तरह से आपको क्या मिल गया, 1,000 का डिस्काउंट, क्या मिल गया डिस्काउंट। चलिए इसका एंट्री पास करते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग, फर्नीचर मार्ट है ना, क्या विशेष खरीदे थे ना, तो फर्नीचर मार्ट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और टू क्या हो जाएगा आपका कैश अकाउंट, टू क्या हो जाएगा कैश अकाउंट, और टू क्या हो जाएगा आपका डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू क्या होगा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है जी। तो फर्नीचर मार्ट का सेटलमेंट कितना हो गया आपका 20,000 से, राइट। उसके बाद आपका कैश आपके पास से कितना गया 19,000, और आपको डिस्काउंट कितना मिल गया 1,000। फर्नीचर मार्ट पैसा पाने वाला, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, कैश रियल अकाउंट पैसा जा रहा है, क्रेडिट बट गोज आउट, और डिस्काउंट रिसीव नॉमिनल अकाउंट आपको मिला है, ऑल इनकम प्रॉफिट को क्या करेंगे क्रेडिट, राइट। और मैंने पहले ही बोला कि अगर आपका कैश क्रेडिट में रहेगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में रहेगा, और कैश डेबिट रहेगा तो डिस्काउंट भी डेबिट में रहेगा, ठीक है। देखिए फुल सेटलमेंट लिखा, अगर फुल सेटलमेंट नहीं लिखता, बोलता 19,000 दिया, तो 19,000 देंगे तो क्या लिखते हैं, फर्नीचर मार्ट अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट, और डिस्काउंट, और 1,000 रुपया आपको बाद में देना पड़ता। लेकिन यहाँ पे कौन सा लिख दिया, फुल सेटलमेंट, यानी अब आपको देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है जी। तो ये आपका क्या हो गया, तो ट्रांजेक्शन नंबर 4 भी क्या हो गया, बनके तैयार हो गया। तो अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे, इससे क्या होगा कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, राइट। अब ट्रांजेक्शन नंबर 4 तक मैंने जनरल एंट्रीज कर दिया है, अब कौन है आपका ट्रांजेक्शन नंबर 5। देखिए इसमें क्या बोलता है, सोल्ड गुड्स टू आलम कॉस्टिंग कितना 60,000, एट द प्रॉफिट कितना है 20% ऑन सेल्स, यानी सेल्स पे आपका क्या है प्रॉफिट है, कितना परसेंट है आपका 20%, कॉस्ट पे नहीं है, किस पे है आपका सेल्स पे, याद रखिएगा। और उसके बाद बोलता क्या है कि 10% आपने क्या दिया, ट्रेड डिस्काउंट टीडी दिया है, और साथ में आपका सीजीएसटी कितना है 6%, और आपका एसजीएसटी कितना भी है आपका 6%, राइट। तो चलिए इसका क्या करते हैं हम लोग, आपको एंट्री करके बताते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे इसका वर्किंग नोट्स, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग इसका वर्किंग, क्या करेंगे वर्किंग नोट्स, राइट। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग इसका वर्किंग नोट्स, तो सबसे पहले निकालेंगे क्या, प्रॉफिट ऑन सेल्स क्या है आपका, निकालेंगे प्रॉफिट ऑन सेल्स, राइट। तो जब प्रॉफिट ऑन सेल्स, क्योंकि आपका क्या बोलता है सेल्स पे प्रॉफिट है, कॉस्ट पे नहीं, याद रखिएगा। तो आपका कितना हुआ 60,000, राइट। तो 60,000 का कितना परसेंट है आपका, देख लीजिए 20%, और आपका सेल्स पे है ना, तो होगा आपका 100 माइनस रेट ऑफ प्रॉफिट, क्या होगा 100 माइनस रेट ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि आपका प्रॉफिट किस पे आपका सेल्स पे, ऑन सेल्स। अगर मान लेते कॉस्ट पे रहता तो सीधा क्या लिखते हम लोग 100, 60,000 × 20/100, लेकिन सेल्स पे है तो आपका 100 माइनस रेट ऑफ प्रॉफिट करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो चलिए इसको क्या करेंगे, जब हम लोग कैलकुलेशन वगैरह करेंगे, इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो 60,000 उसके बाद 20 और डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपका 80, ठीक है 15,000, कितना है आपका 15,000, कितना आया 15,000। तो 15,000 किस चीज का प्रॉफिट का है, तो आपका देखिए आपका नेट सेल्स, आपने सामान कितना में बेचा होगा, नेट सेल जो है आपका कितना हो जाएगा 60,000, कॉस्ट का और प्रॉफिट का कितना 15,000, राइट। तो आपका जो नेट सेल होगा वो कितना होगा आपका 75,000, कितना होगा 75,000, 60,000 कॉस्ट और आपका 15,000 किस चीज का हो गया प्रॉफिट का, सेल्स पे है तो 100 माइनस आपका प्रॉफिट की है, ठीक है, तो 75,000। अब देखिए इसमें ट्रेड डिस्काउंट भी है ना, इसमें क्या है आपका ट्रेड डिस्काउंट भी है, राइट। ट्रेड डिस्काउंट देखिए कितना है आपका 75,000, राइट, और कितना परसेंट बोलता है 10%, तो 75,000 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 7500, यानी 7500, ठीक है 7500 हो गया जी। अब देखिए 7500 हो गया, तो अब यहाँ पे निकालेंगे क्या हम लोग आपका एक्चुअल सेल, क्या निकालेंगे एक्चुअल सेल्स, है ना। एक्चुअल सेल देखिए आपका 75,000 था, राइट, 75,000 में आपने कितना लेस कर दिया
टीडी का अमाउंट यानी 7500, तो आपका देख लीजिए कितना आएगा, 75,000 में कितना माइनस कर देंगे 7500, तो आएगा कितना 67500, ठीक है। इसको अगर बोला जाए तो आप क्या बोल सकते हैं, आपका नेट सेल नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग लिस्ट प्राइस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं हम लोग, लिस्ट प्राइस, ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट। लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस कितना हो गया आपका, अंकित मूल्य कितना हो गया आपका 75,000, तो एक्चुअल सेल कितना हो गया आपका 67500। अब इससे पे क्या निकालेंगे हम लोग, सी जी एस टी निकालेंगे ना, सी जी एस टी, तो कितना होगा 67500 का कितना परसेंट बोलता है, 6%, ठीक है। तो 67500 का कितना परसेंट है, 6%, 4050 कितना आएगा आपका, 4050, इसको थोड़ा बढ़िया से लिख देना, कितना आएगा आपका 4050, ठीक है। और हम लोग निकालेंगे एस जी एस टी, तो को भी आएगा 67500 का, वो भी कितना परसेंट है आपका, दोनों 6% है, ठीक है। तो 6% इसका भी निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 4050, ठीक है जी। तो इस तरह से मैंने क्या किया, आपका सारा कैलकुलेशन वगैरह कर लिया, अब एंट्री पास करते हैं। देखिए प्लस सिंपल एंट्री जो हम लोग क्या किए, किसको सामान बेचे, आलम को ना, तो हम लोग सिंपल एंट्री क्या करेंगे, लिखेंगे क्या आलम अकाउंट क्या करेंगे डेबिट, और टू क्या करते थे हम लोग सेल्स अकाउंट, है ना, यही हम लोग एंट्री पहले से करते आ रहे थे। अब इसी में क्या करेंगे हम लोग, जो आपका एस जी एस टी है और सी जी एस टी को क्या करेंगे, इंक्लूड कर देंगे, बेचे हैं तो आउटपुट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, टू आउटपुट, टू क्या लिखेंगे आउटपुट, सी जी एस टी अकाउंट, राइट। उसके बाद क्या लिखेंगे, टू आउटपुट, इसमें भी लिखेंगे क्या, टू आउटपुट, क्या लिखेंगे, एस जी एस टी अकाउंट, ठीक है। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब देखिए आप अमाउंट कितना कितना लिखेंगे, ध्यान से, सबसे पहले ये लिख देते हैं आपका कितना 40,50, और ये भी कितना लिख दे हम लोग 40,50, यानी 4050, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका सेल्स कितना है, आपका सेल्स कितना आपका 67500, ठीक है। सेल्स कितना हो गया 67500, अब सबको क्या करें, जोड़ दीजिए आप, कितना 67500 प्लस कितना आपका 40,50 है ना, तो 40,50 और प्लस किया हो जाएगा 40,50, यानी कितना हो जाएगा 75,600, कितना हो जाएगा आपका 75,600। तो इस तरह से क्या हुआ, आपका जो ट्रांजेक्शन नंबर 5 था उसका जनरल डिटेल्स बन गया, आलम्स पाने वाला, पर्सनल अकाउंट डेबिट रिसीवर, आउटपुट हुआ है टू क्रेडिट कर देंगे, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी, और आपका क्या लिख देंगे, टू सेल्स। तो इस तरह से ट्रांजेक्शन नंबर 5 बनकर आपका क्या हो गया, तैयार हो गया। कौन है आपका 6, इसको क्या करेंगे हम आपको जनरल डिटेल्स बताएंगे। बोलता है क्या, अमाउंट फर्दर इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस कितना 20,000, यानी बिजनेस स्टार्ट होने से लगाया होगा पैसा, राइट, उसके बाद फिर से लगाया कितना आपका 20,000, इसे एडिशनल कैपिटल, फर्दर कैपिटल या इंट्रोड्यूस कैपिटल भी क्या करते हैं हम लोग बोलते हैं। तो बिजनेस में क्या आएगा आपका, कैश, बिजनेस में क्या आएगा आपका, कैश, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, डेबिट। और देखिए आप चाहे तो एडिशनल कैपिटल लिखें या चाहे तो कैपिटल लिखें, क्योंकि एडिशनल कैपिटल बाद में कैपिटल में ही जाके क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो देखिए अगर हम लिखते हैं एडिशनल कैपिटल तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट होने के बाद लगा रहा है ना, तो अतिरिक्त पूंजी कहेंगे, राइट, एडिशनल कैपिटल, या आप चाहे तो कैपिटल अकाउंट भी लिखें, राइट, कैपिटल अकाउंट भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपका कितना हो गया, देख लीजिए आपका 20,000 है ना, यहाँ पर कितना लिख देंगे हम लोग 20,000, राइट, और यहाँ पर भी कितना लिख देंगे 20,000, ठीक है जी, ये भी मेरा बन गया। अब देखिए आपका क्या हो गया, 7, कैश बिजनेस में आया, रियल अकाउंट डेबिट पर कम सीन, देने वाला मालिक है, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, ठीक है जी। उसके बाद बोलता है 7 में देखिए क्या बोलता है, परचेज एंड ओल्ड मशीनरी एट रुपीज कितना 28,000 फ्रॉम झाजी। देखिए एक पुराना मशीनरी आपने परचेज किया किससे, झाजी से, ठीक है, तो कैश का जिक्र नहीं है, यानी क्रेडिट में परचेज किया, पेड 2600 ऑन इट्स रिपेयर, वो पुराना मशीन खरीदा ना, उसको क्या किया आपने, रिपेयर करवाया, मरम्मत वगैरह करवाया, पुराना मशीन था उसपे खर्च कितना क्या 2600, और उसको क्या हुआ 500 ऑन इट्स कैरिज, और अपने बिजनेस तक लाने में वो मशीन पे आपने भाड़ा कितना दिया है 500। तो ध्यान सुनिए, आप मशीन ठीक है उधार खरीदे हैं, लेकिन जो आपका रिपेयर है और आपका कैरिज है वो कैश के फॉर्म में दिए हैं। और ध्यान से मैंने पहले बोला है कि रिपेयर या कैरिज अगर असेट्स पे किया गया
रहा है खर्च, तो उससे असेट्स का वैल्यू क्या होता है, बढ़ जाता है, राइट। इसका मैंने जर्नल में पूरा कॉन्सेप्ट दिया है, जर्नल वाले चैप्टर में। तो देखिए यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगा, आपने क्या खरीदा है मैसनरी, क्या खरीदा है आपने मैसनरी, तो क्या लिखेंगे हम लोग मैसनरी, क्या लिखेंगे मैसनरी अकाउंट, क्या करेंगे डेबिट, राइट। और टू क्या लिखेंगे कैश, टू क्या लिखेंगे कैश, और टू क्या लिखेंगे हम लोग, कौन है आपका झाजी है ना, झाजी जी है, तो चलिए झाजी लिख देते हैं जी, झा जी है ना, झाजी को लिख देते हैं ना, चलिए ये हो गया फुल स्टॉप, ये देते हैं ठीक है। अब देखिए कैसे कैसे अमाउंट होगा, ध्यान से आपका मैसनरी था कितने का देख लीजिए, मैसनरी था कितने का 28,000 का, तो 28,000 का मैसनरी और उसपे आपने आपने रिपेयर्स पे कितना खर्च किया 2600, तो बढ़ गया आपका वैल्यू, और 500 किस पे कैश पे किया, राइट। तो टोटल हो गया 31,100, यानी मैसनरी का वैल्यू कितना हो गया आपका 31,100। यहां समझिएगा आपका मैसनरी तो आपका डेबिट होगा, और कोई भी असेट्स पे अगर कोई रिपेयर है, इंस्टॉलेशन है, कैरिज है, उससे असेट्स का वैल्यू बढ़ता है। ऐसा मत कीजिएगा रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, कैरिज अकाउंट डेबिट टू कैश, नहीं, ये सब आपका कैरिज वगैरह का अकाउंट, गुड्स को परचेस करते हैं तब खुलता है, असेट्स को परचेस करेंगे तो असेट्स पे क्या होगा इसका वैल्यू बढ़ जाएगा। तो मैसनरी हो गया आपका 28,000 और 2600 और कितना हो गया 500, तो 28,000 और 3100 क्या हो गया बढ़ गया, तो कितना हो गया आपका 31,100 ठीक है जी। अब देखिए आपका क्या हुआ, झाजी को आपको कितना देना है, मैसनरी का पैसा देना है ना, तो आपका झाजी से आपने खरीदा है मैसनरी का, तो मैसनरी का देंगे। अब जो रहा 2600 500 कितना 3100, ये तो आपका क्या होगा कैश के फॉर्म में चला जाएगा, यानी आपका एंट्री क्या हो गया मैसनरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि मशीन आया रियल अकाउंट डेबिट पर कंसीन, कैश गया है जी, कैश कितना गया 2600 500, कितना 3100, रियल अकाउंट क्रेडिट बट गोज आउट, और झाजी से खरीदा पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर, क्योंकि मशीन किससे आपने लिया झाजी से, झाजी क्या देने वाले। तो चलिए ये भी एंट्री बन चुका है। अब एक लास्ट एंट्री है, क्या बोलते हैं आपका टुक अ लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से आपने क्या किया लोन लिया है, लोन लेंगे बैंक से तो बैंक क्या करता है आपके बैंक अकाउंट में पैसा क्या करता है ट्रांसफर कर देता है, तो बैंक में पैसा आपका बढ़ जाएगा, तो बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करेंगे डेबिट, और आपने क्या लिया बैंक से लोन लिया ना, तो टू क्या हो जाएगा आपका बैंक लोन अकाउंट, क्या हो जाएगा बैंक लोन अकाउंट, कितना 30,000, तो 30,000 राइट, यहाँ पर भी कितना लिख देंगे हम लोग 30,000 ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा एंट्री बन चुका है, इसका भी क्या करें स्क्रीनशॉट ले ले। राइट हम मान के चलते इसका भी क्या क्या होगा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आने वाले वीडियोस में क्वेश्चन 2, 3, 4 जितना भी जीएसटी से रिलेटेड चैप्टर्स, उसके बाद लेजर ट्राई बैलेंस फाइनल अकाउंट जितने भी चैप्टर्स हैं, सभी का आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशंस का वीडियोस अपलोड कर दिया जाएगा, इसलिए मेरे चैनल से मेरे वीडियो से जुड़े रहेंगे। आज का वीडियो एंड करते हैं, थैंक यू।